तुरंत पता चलेगा, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, तो बीजेपी को डर किस बात का है भाई? तो रात भर के अंदर जो है एफिडेविट बदल गया। तो सवाल ये है कि एफिडेविट किया क्यों गया? ये तो शुरू दिन से ही हम लोग कह रहे थे कि भाई सेंसेस का अधिकार जो है वो भारत सरकार को, इसलिए हम लोग कास्ट बेस्ड सर्वे करा रहे हैं, सर्वे कराया जा रहा है। अगर इतना ही है तो भारत सरकार को बोलिए संविधान में संशोधन करके जो है राज्यों को दे दे कि वो भी सेंसेस करा सकते, नहीं तो खुद कराओ। तो ये तो सारा उनका जो चेहरा है उजागर होगा। जो है एक साल के भीतर दो बैठकें भी हो गई। पहले लोग कल्पना करते थे कि साथ बैठेंगे नहीं बैठेंगे, अब तो सारी बातें भी हो गई, अब तीसरी बैठक में। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश और आप बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं। मुंबई में विपक्ष की तीसरी बैठक होने वाली है, जो अलायंस इंडिया बना है उसकी बैठक होने वाली। इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम जब आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे और मुंबई के लिए जा रहे हैं, उसको लेकर पत्रकारों ने जब जिस तरीके से सवाल किया है कि क्या कुछ जो है इस बैठक में होगा, उसको लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यही अगस्त महीने में बिहार की जनता ने एक बड़ा बदलाव किया, उसी बदलाव को लेकर अब देश में भी बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती है और गोलबंद होकर मौजूदा जो केंद्र में सरकार है उसके खिलाफ जो है हम लोग जो नया नीति बनाएंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस वीडियो में। आप तो प्लीज रहिए, धक्का मत दीजिए, गिर जाएगा, ठीक है? अरे सामने से हटिए ना, आगे से हटिए आप लोग। अरे हट जाइए, अरे हटिए ना, सामने से हटिए। विपक्ष की बैठक में जा रहे हैं, तीसरी बैठक की जा रही है, ये तीसरी बैठक है, कितनी बड़ी तारीख है। देखिए ठीक, यही अगस्त का महीना है और इसी अगस्त के महीने में बिहार ने देश की जनता को, देश को जो है दिशा दिखाने का काम किया था और उन्होंने ऐलान किया था कि हम लोग जो है बिहार में सरकार बनाने के बाद जो है देश भर में सभी लोगों को गोलबंद करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं, कोई सोचा भी नहीं होगा ठीक अगस्त के महीने में जो है एक साल के भीतर दो बैठकें भी हो गई। पहले लोग कल्पना करते थे कि साथ बैठेंगे नहीं बैठेंगे, अब तो सारी बातें भी हो गई, अब तीसरी बैठक में जो मुंबई में हो रही है वहाँ हम लोग जो जा रहे हैं। तो एक बिहार ने देश की जनता को दिशा दिखाने का काम किया है और जनता जो है पूरी तरीके से हम लोगों के गठबंधन के साथ खड़ी है। आपको समझ में जो होगा वो तो पता चल ही जाएगा। जी आपको कोर्ट का समन जारी हुआ है, जिस तरह की बाईस तारीख के पेपर को आपको कोर्ट का बात लगातार होता ही रहता है, कौन सी बड़ी बात है? जो होगा उसका जवाब दिया जाएगा, उसमें तो सब लोगों को पता है कि किस संदर्भ में हमने बात कही है। तो हम लोगों का जो है कोर्ट के मामले में, कोर्ट में जो है हम लोग जवाब देंगे। और जहाँ तक जो एफिडेविट का मामला है, जो बीजेपी के लोगों का असली चेहरा जो है उजागर हो गया, आप बताइए रात भर में एफिडेविट भी बदल दिया जाता है, यानी ये साफ दिखाता है कि बीजेपी डरी हुई है और कभी भी नहीं चाहते थे कि जातीय आधारित जो है गणना हो, जो कास्ट बेस्ड सर्वे जो बिहार के लोग करा रहे हैं। आप बताइए अगर सामाजिक आर्थिक अगर डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, अगर ईबीसी के लोगों का पता चलेगा कि कौन गरीबी रेखा के अंदर है, कौन सी जाति, कौन सा वर्ड, कौन सा वर्ग, तो ये तो सारा गिनती तो होगा ही ना, तब ना पता चलेगा कौन कितना गरीब है। उसी हिसाब से जो है डायरेक्ट जो है उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्यक्रम सरकार बनाएगी, योजना बनाएगी। अब जो गरीब है आर्थिक रूप से, जो पिछड़ी जातियां हैं, अगर उनका तुरंत पता चलेगा, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, तो बीजेपी को डर किस बात का है भाई? तो रात भर के अंदर जो है एफिडेविट बदल गया। तो सवाल ये है कि एफिडेविट किया क्यों गया? ये तो शुरू दिन से ही हम लोग कह रहे थे कि भाई सेंसेस का अधिकार जो है वो भारत सरकार को, इसलिए हम लोग कास्ट बेस्ड सर्वे करा रहे हैं, सर्वे कराया जा रहा है। अगर इतना ही है तो भारत सरकार को बोलिए संविधान में संशोधन करके जो है राज्यों को दे दे कि वो भी सेंसेस करा सकते, नहीं तो खुद कराओ। तो ये तो सारा
उनका जो चेहरा है उजागर होगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के नाटी पर चढ़ने जा रहे हैं आज का, नरेंद्र मोदी के नाटी पर पकड़े हुए हटाना। अच्छा, एनडीए की भी बैठक रखी लालू जी, एनडीए की भी बैठक रखी, एनडीए की भी बैठक रखी है मुंबई में, एनडीए की भी बैठक ये कर रहे हैं मुंबई में। नरेंद्र मोदी तो करे क्या, आश्वस्त है तीसरी बार भी आएंगे। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसी अगस्त के महीने में बिहार की जनता ने एक बड़ा बदलाव किया था, बिहार की जनता ने गोलबंद होकर देश में अब बदलाव चाहती है, और उसको लेकर जो तीसरी बैठक है उसमें हम लोग जा रहे हैं। मुंबई में बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी बैठक कर रही है, इसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने एनडीए पर खूब जो है अपना भड़काव सुनाया है। और वही जिस तरीके से जाति आधारित गणना को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, जिस तरीके से जाति आधारित गणना को लेकर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जो एफिडेविट चेंज जो है उसमें संशोधन किया जो दायर किया गया था उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि रातों रात एफिडेविट बदल दिया जाता है, तो अब भारत सरकार संविधान में भी संशोधन कर दे और हर राज्य को बता दे कि कैसे कास्ट बेस सेंसर करना है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये केंद्र सरकार की जो नीयत है वो सामने आ रही है, खूब बरस रहे हैं एनडीए पर, और ये भी कह रहे हैं कि देश जो है अब गुलबंद होगा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है लड़ाई है, और उसको लेकर तीसरी बैठक हो रही है। उसमें तेजस्वी यादव ने एयरपोर्ट पर खूब पत्रकारों के सवाल पर भड़के और कास्ट सेंसर्स को लेकर भी बड़ी जो है बात कही है, और खूब भड़क रहे हैं नरेंद्र मोदी, और जिस तरीके से जो एफिडेविट बदला गया है उसको लेकर भी खूब बोले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।